अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सारे? ठीक ठाक है? तो मैं अभी शावर लेके आई हूँ और मैंने गीले गीले बाल ही बांध लिए क्योंकि मुझे ऑर्डर आया पकोड़े बनाओ। तो जैनब ने खाने पकोड़े, ये रही जैनब, ये रहा वुड, उसको लाड हो रहा है। और पकोड़ों का मैंने सारा सामान काट लिया, और कैसे काटा है, किस तरह बना रही हूँ वो भी आपको बताती हूँ। लेकिन एंड में रह गया था बैंगन, बैंगन काटने लगी, मेरी उंगली कट गई और मैं नेल्स बढ़ा रही थी, इन्होंने मेरा नेल काट के ऊपर सन ग्लास लगा रूम में आ देख मैंने क्या किया, क्या कारस्तानी किया। और ये खा रहा है अजूल बैंगन, ब्रिंजल है ना, बैंगन खा ला जे। तो भी आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे काटा सारा कुछ, किस तरीके से हम पकोड़े बनाते हैं और खाते हैं। है क्या गोल वाले बैंगन को ब्रिंजल कहते हैं, लंबे वाले को एग प्लांट कहते हैं। अच्छा एग प्लांट। यहाँ सब्जी भी बन रही है, जो बड़ी वाली सिस्टर है पार्लर वाली वो बना रही है घिया कद्दू। और ये रहा बेसन मैंने छान दिया, ठीक है। और ये बैंगन सिस्टर ने एंड में काट के दिया क्योंकि जब मेरी उंगली कट गई थी। उसके अलावा वो मैंने सारा कुछ काट के रखा पीछे, ये दिखाती हूँ मैं आपको अभी। हाँ सही है, नहीं सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब ये रखा है धनिया काट के, ये सारी चीज़ें रखी है। अभी मैं स्टैंड लगा के और ये घिया भी डालना है सब्ज़ी में, स्टैंड लगा के तो आपको दिखाती हूँ सारा। और इसको खाना याद आ गया, फिर पकौड़े बनाते हैं खाते हैं। मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया, मुझे बड़ी भूख लग रही है। ये रही मैं, और पीछे आ गई थी मेरी बहन, तो मैंने दोबारा स्टार्ट किया। ये रही मैं, अभी नहा के आके मैंने अपना ये मैरून ड्रेस पहना है, तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में। बाय बाय व्यूअर्स। वो रहा पीछे मेरा किचन, वो रहा। और यहाँ झाड़ू ये लग रही हैं। ओके ओके, हमारे कुत्ते बिल्ले कहाँ हैं सारे? ये रहा मेरा स्टैंड स्टूडियो, ये मेरा स्टूडियो, ये रहा सर, और बस ये रूम रहा। वो चार्जिंग पे लगाया था फ़ोन, तो मैंने कहा पहले व्लॉग स्टार्ट करती हूँ फिर बाद में चार्ज करती हूँ। और सब अपने घर में ये लगाएं, ये ठीक है, मच्छर इसे रात में लगा के सो जाया करें और सुबह इसको बंद कर दिया करें, इससे मच्छर बहुत चले जाते हैं, बहुत बेहतर होता है। तो लाइट्स ऑफ करते हैं और हम जाते हैं अपने किचन की तरफ, स्टूडियो से जाते हैं हम अपने किचन की तरफ। क्या स्टूडियो को ही हम अपना किचन बना लेते हैं। अब ये क्या हो गया इसको यहाँ पे? व्यूअर्स आ गई हूँ किचन में और मैंने खोले हैं, बाल गीले थे तो मैंने कहा खा लेती हूँ, बाल गिरेंगे नहीं, खाने में भी नहीं जाएंगे, बड़े एहतियात से बनाऊंगी। सारा कुछ मैंने काट लिया है तो आपको दिखाती हूँ। थोड़ा ऊंचा हो गया स्टैंड में, नहीं सही है, तो जाना देखिए पीछे काटूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे काटे हैं। हरी मिर्चें ली हैं और मैंने पकौड़े में क्या वो साइड अभी ना देखे ऊपर तो व्यूअर्स जैसे आलू के चिप्स काटते हैं ना, इस तरह से मैंने पकौड़े में ना ये काटा है, आलू काटा है, ठीक है। लेकिन बारीक आलू के थोड़े चिप्स मोटे होते हैं ना, मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काटे हैं, ये देखें। और हरी मिर्च काटी है और प्याज मैंने ऐसे लंबा लंबा काटा, ये देखें ऐसे लंबा लंबा प्याज काटा है, आलू काटा है और हरी मिर्च काटी है। अब रह गया धनिया। और यही पालक की बात, पालक भी लेके आए थे कल, लेके आए थे वो गल गया, पालक भी डालना था बीच में, ठीक है, वो भी मैंने धीरे ही कतर कतर कर डाला था। ये बैंगन हो गया, ये बेसन हो गया, तो अब रह गया धनिया। मिक्सिंग करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये डाल दिया सारा कुछ इसमें, ठीक है, और ये चढ़ गया फौरन ऊपर। अब सब मुझे बोलेंगे कि आपका बिल्ला ऊपर रहता है किचन में, ये आप कितनी गंदी है, ये है वो है, मैं क्या करूं, इसको भी मैं बताती हूँ। हाँ तो व्यूअर्स ये धो लिया मैंने धनिया भी, थोड़ा पास लिया तो स्टैंड ना जो है ना वो बहुत ऊपर चला गया, इसको मैं करती हूँ नीचे थोड़ा सा। अब आ रही हूँ नज़र, मैं भी आनी चाहिए ना नज़र, और किचन भी आना चाहिए मेरा नज़र। अब ये मैंने इसमें डालना है धनिया, धोया अच्छी तरह से धो लेना, मिट्टी शिट्टी सब निकाल लिया धनिए पालक से, नहीं तो फिर कचरा आता है। ये अच्छी तरह से निचोड़ के डाल दो धनिए को, पानी गिर रहा है। पकौड़े बनेंगे आज, सर्दियाँ शुरू हो जाए हमारे यहाँ माशरे में,
लाहौर में पकौड़े बनेंगे, आलू वाले पराठे, पकौड़े, बारबेक्यू। सर्दियों में, गर्मियों में वैसे बस नहीं छोड़ दे, बस चाय। अब हम डालेंगे नमक, मिर्च नमक मिर्च और हल्दी पूरे घर में मल्दी। ठीक है, पास आ जाओ मेरे, आप लोग मेरे पास आ जाओ। ओए कैमरा बड़ा ही लाती हूँ, हिल जुल तो हूँ थोड़ी बहुत। मैंने कहा आप लोग मेरे पास आ जाओ। अंदाजे से डालूंगी सारा कुछ, एक चम्मच, दो चम्मच, तीन चम्मच, देखना दोबारा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और 3.5 चम्मच। सब कुछ अंदाजे से डालूंगी, देखना भाई। मेरा नमक मिर्च का अंदाजा बड़ा ठीक होता है, एक चम्मच, दो चम्मच, थोड़ा सा बस। और अब रह गई हल्दी, हल्दी भी डाल दी हमने। मुझे ना खाने में हल्दी बहुत पसंद है, चावलों में भी खाने में भी। ठीक है, तो अब हमने करनी है इसकी मिक्सिंग, तो मिक्सिंग करेंगे जरा आपसे दूर, आप मेरे से दूर जाएं, फिर हम इसकी करेंगे मिक्सिंग। ठीक है, इधर आते हैं। ओहो पानी तो भरना पहले भी, पहले तो ना हाथ धो लूँ जो हल्दी वाले हाथ। फिर आ रहा ऊपर आ रहा, मैं क्या करूँ भी, बड़ी साहब रुके, मैं पानी भर लूँ। कुएं से पानी भर के आई, आप लोगों को अपना कुआं भी खाती, कौन सा कुआं है, कहाँ से मैं पानी भरी। अब हम करेंगे मिक्स। नहीं पैंट नहीं बनेगी, पैंट किसी को कोई मसला, अल्लाह करे कितने साल और चलाते, इसलिए भी मैंने वो बनानी है। मिक्स। है गर्मी लग रही है, खिड़कियां दरवाजा खोल दो, खुले हैं सारे। मिक्स। देख पैसा डाल दो थोड़ा, वो भी डाल दो सारा, बस तूने और सारा ने खाना है, मैंने नहीं खाना। मिक्स। मिक्स। नमक ज्यादा हो गया तो कुकर उतर गया, फिर चढ़ जाएगा ये, और क्या करेगा। इसको नहीं आ रही मेरे हाथों पे सब्जी का येलो रंग चढ़ेगा, तो ब्रश से मांज के तो उतर ही ना, ब्रश से लोशन लगाया तो उतर गया। तो व्यूवर्स अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या किया है। ओए घी डालिए फ्राई पैन में, उसको फुल टाइम गर्म कर लेना है घी को। ठीक है, तो अभी और ये प्लेट भी मैंने रेडी कर ली है, इसके अंदर पेपर रखा है, ये पेपर मेरे भाई ने प्रिंटर लिया था, और उसके जो प्रिंटर के लिए पेपर्स नहीं होते वो हैं, तो भाई काम करता था उसका ग्राफिक्स का ना, तो भाई को प्रिंटर वगैरह के पेपर चाहिए होते थे, तो वो यहीं रह गया, भाई लंदन चला गया, तो वो पेपर जो है ना हम पराठे डाल के आलू की चीज डाल के खत्म कर रहे ये राइटिंग के लिए तो यूज नहीं होता, पहले लाइन्स लगानी पड़ेगी इसीलिए। तो अब ये हो गया फुल गर्म। ठीक है, अब पहले हम डालते हैं एक पकौड़ा डाल के नमक मिर्च रखेंगे, फिर उसके बाद नमक मिर्च ठीक हुई तो फिर दूसरा डालेंगे, फुल गर्म घी में डालना ताकि ना। और अब ये बैंगन का भी मैं मिक्स कर रही हूँ, बीच में एक बैंगन का भी डाल के देख लेते हैं। ये ले, इस तरह से बैंगन के साथ भी आपने ये मिक्स कर देना है, देखे नजर आ रहा है, अच्छी तरह से अंदर मिक्स कर दिया। अब इसको भी साइड पर डाल देना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपको मेरी फ्राई पैन नज़र आ रही होगी, तो अब लेते हैं चिमटा। अगर गीला है तो प्लीज़ उसको साफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि गर्म घी है तो छट 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 छिट्टे पड़ने हैं। ठीक है,
सही कुरकुरे पकौड़े। और घी फुल गर्म करना है तो थोड़ी सी आँच आहिस्ता कर लेनी, तो ये अंदर से कच्चे रहेंगे ऊपर से सारे सड़ जाएंगे। मैं सड़ जाएंगे लैंग्वेज कुछ गलत हो रही, सड़ जाएंगे जल जाएंगे। उधर से राम रूटीन में जो वर्ड बोले ना तो फिर वही निकलते हैं, तो अगर कुछ गलत बोल रही हूँ तो माजरत है सबसे, प्लीज़ बुरा भला ना कहिएगा। थोड़ा सा पकौड़ा इसको प्रेस कर लो, ये ना अंदर से काटा ही काटा रहे। बहुत भूख लग रही है, मैंने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ, अब दाल चावल पड़े हैं वो गर्म करके ना पकौड़ों के साथ खाऊंगी। ठीक है, अब इसको बनने दें, ज़रा रेडी होने दें, तो फिर आपसे मिलते हैं। हाँ तो व्यूवर्स, ये बन गए। अब मैं इसमें से नमक मिर्च चेक कर लूँ, बहुत गर्म है बताएं। चखो, परफेक्ट है, परफेक्ट है, मुझे परफेक्ट लग रहा है। मैं सादा पकौड़ा खाया, बस थोड़ा सा लाल कर ले। मैंने बोला था ना मुझे नमक डालने की जरूरत पड़ेगी ना मिर्ची, परफेक्ट होगा। तो अब इसी तरह मैं सारे बनाती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। देर तक मिलते हैं, लेकिन मैं आपको डालते हुए दिखा देती हूँ किस तरह से पकौड़े डाले हैं। हाथ से डालो तो बहुत अच्छे डालेंगे, लेकिन मैं ये स्पून यूज़ कर रही हूँ। बेसन कम रखूँगी, लेकिन ये जो है ना पालक के अंदर जो बेसन के अंदर जो चीज़ें डाली हैं वो चीज़ें ज़रा ज़्यादा पकड़ पकड़ के डालूँगी, ठीक है, क्योंकि फिर वो बेसन ही बेसन होता है। जैसे कि ये ना देख रहे ना आप लोग, ये इस तरह से बस देखते हैं। मेरा ग्लोब लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ठीक है, प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें, वॉच किया करें, और आगे भी सबको बताएं। आगे तो आप लोग बताते नहीं हैं। और हाँ, मैंने बोला था देखने से पहले मेरी वीडियो जो देखते हैं ना मेरे फैंस, वो लाइक भी कर दिया करें वीडियो को, ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। इस तरह से मैंने डाल दिए सारे पकौड़े, मैं आपको निकालते हुए भी दिखाती हूँ। व्यूवर्स, तो ये बन गया हमारे पकौड़े। किचन से आई हूँ मैं इधर, अभी अपना बैंगन के पकौड़े डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने क्या गिर गया, उप्स। तो मैंने किया दाल चावल गरम, कॉक पड़ी है जो शंग्रीला की कैप्चर में मैंने खा दी, नेशनल की या शान की, तो पिज्जा है, है? पिज्जा सॉस है, ओहो मुझे लगा शंग्रीला की हुआ कैप्चर भी नहीं आती। तो बोतल पड़ी हुई थी, चल हम लोग ए एफ सी वो ब्लॉग आप मेरा देखे जाके, तो ये वहाँ से लेके आया। तो जो खा लो पकौड़े, भी ग्रीन चटनी है ये बनी हुई थी, किस तरह आया। अब बैंगन की ना एक बूट डाल के, तो व्यूअर्स आने मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। बहुत मजे की बने, आने मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में अपने एक चैनल का लिंक दूंगी, उज्जा लाइफ स्टोरी, उस पर भी जाना है और उसको भी सब्सक्राइब करना। बच्चा किधर है? मैंने कहा था मेरा व्लॉग देखते ना तो सो रहा है, तो आप लाइक भी कर दिया करें, जितना लाइक करेंगे वीडियो को वो उतनी जाएगी ट्रेंडिंग में, तो आगे लोग देख सकेंगे। तो आज की वीडियो मेरी यही थी, आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है और आगे फॉलो करना है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।